सिनपुंग लू 1790 में हवा सुंगहेंग गुंग पैलेस का एक सामने का द्वार है, जंगजो 14, जिसे जिननाम लू कहा जाता है। हालांकि 1795 में किंग जंगजो जो यूनहियोंग को एक पट्टिका का नाम बदलकर सिनपुंग लू करने का आदेश दिया। सिनपुंग नाम की उत्पत्ति एक पुराने वाक्यांश से हुई है, वह पुंग भूमि चीन में हान राजवंश में गोलजो का एक और घर है। इस अर्थ में सुवोन हवा सुंग किला दूसरा घर प्रतीत होता है किंग जंगजो को, क्योंकि राजा जंगजो हवा सुंग किले को अपना नया गृहनगर मानते थे। उन्होंने इस उदाहरण के बाद हवा सुंग अस्थाई महल के मुख्य द्वार का नाम रखा। इसलिए राजा जंगजो ने अधिकारियों को सिनपुंग के अर्थ वाली एक पट्टिका तानने का आदेश दिया। जब राजा जंगजो ने 1795 में हवा सुंग अस्थाई महल का दौरा किया, स्थानीय निवासियों को चावल वितरित करने के लिए इस गेट मंडप के सामने एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और गरीबों को दलिया परोसे। सिनपुंग लू हवा सुंग अस्थाई महल का मुख्य द्वार है। सिनपुंग लू इमारत एक दो मंजिला मंडप संरचना है। निचली मंजिल का उपयोग प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था और इसका उपयोग सैनिकों द्वारा आसपास की निगरानी करने और सिग्नल भेजने के लिए किया जाता था। सिनपुंग लू के बाईं और दाईं ओर मंडप थे और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए दोनों छोर पर सैन्य शिविर लगाए गए थे। कोरिया में जो सन राजवंश के राजा जंग जो हवा सुंग हैंग गुंग पैलेस का डिजाइन और निर्माण किया गया सुधारात्मक राजनीति के लिए सुवोन शहर में हवा सुंग हैंग गुंग पैलेस में कई इमारतें बनाई गई तैयार करने के लिए किंग जंगजो के सुरक्षित अस्थायी आवास और कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे हैं नवनिर्मित सुवोन हवा सुंग किला। सिनपुंग लू एक प्रवेश द्वार था जो उस छवि का प्रतिनिधित्व करता था। हवा सुंग हैंग गुंग पैलेस नई प्रचुरता लाएगा उस कार्यक्रम की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए जहां किंग जंगजो आते हैं और सुवोन हवा सुंग किले का प्रबंधन करें। सामान्य समय में जब किंग जंगजो नहीं आते, अनेक सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता थी। जहां वे काम करते हैं वहां कई इमारतों का निर्माण करके उन्होंने हवा सुंग हैंग गुंग पूरा किया। किंग जंगजो सरकारी अधिकारियों के लिए कई भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई। ऐसा अनुमान है कि सुवोन हवा सुंग किले को समृद्ध बनाने की योजना बनाई गई थी, जितना उस समय की राजधानी काइक्योगा। कोरिया में जो सन राजवंश की राजधानी काइक्योगा की तुलना में सुवोन शहर उस समय सभी मामलों में केवल 7% था। सुवोन शहर में किंग जंगजो हर साल 10 दिन रुकना चाहिए और यह उसके लिए बहुत असुविधाजनक रहा होगा। किंग जंगजो को हर साल 10 दिन रुकना चाहिए मेरे पिता क्राउन प्रिंस सा दो की कब्र पर जाने के लिए। किंग जंगजो की सुरक्षा और आराम के लिए एक नई शहर योजना तैयार की गई। इसे एक समृद्ध शहर बनाने के लिए किंग जंगजो अनेक सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता थी। इन योजनाओं को क्रियान्वित करना और उन्हें काम करने का आदेश दिया। सुवोन हवा सुंग के अंदर कई इमारतों पर